अनिश्चितकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। यूपी टेट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, बागपत के बड़ौदा से राहुल चौधरी गिरफ्तार। 5 साल में 4,177 लोगों की भारतीय नागरिकता, गृह मंत्रालय ने राज्यसभा ने बताया। मायावती का ऐलान, सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ेगी बसपा, सरकार बनने पर सभी वर्गों को रखेंगे ध्यान। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान, दिसंबर से निकलेगी 6 बड़ी यात्रा, सीएम योगी भी होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे, जहां 1 दिसंबर को अखिलेश यादव महोबा में विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचेंगे और शहर के पुलिस लाइन मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं इस दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। बता दें कि सपा के स्थानीय नेताओं के साथ ही प्रदेश के बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं जनसभा संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव ललितपुर और झांसी के लिए रवाना होंगे। इस दौरे को लेकर सपा के नेताओं का दावा है कि 19 नवंबर को हुई पीएम मोदी की जनसभा और 27 नवंबर को प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली से बड़ी अखिलेश यादव की रैली होगी। आगामी 1 दिसंबर को बुंदेलखंड के महोबा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव महोबा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे, इसके बाद ललितपुर और झांसी के लिए निकलेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर आ रहे हैं। इसके पहले राजनीतिक दलों के लिए महोबा राजनीतिक रूप से एक बड़ा केंद्र बन गया है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर अर्जुन सहायक परियोजना जैसी अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण किया और इसके बाद प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली कर कांग्रेस की ताकत बुंदेलखंड में दिखाई। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की 19 की 19 विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में गई थी और यही वजह है कि सत्ताधारी दल भाजपा ये कोशिश में है कि अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रख सके, तो वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अब आने वाले चुनावों के परिणाम क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से लगातार बड़े बड़े नेताओं का बुंदेलखंड खासकर महोबा दौरे हो रहे हैं और महोबा एक केंद्र बन चुका है, उसको लेकर बुंदेलखंड की जनता किसकी झोली में इस बार विधानसभा की 19 की 19 सीटें बीजेपी को जो दी थी, कितनी सीटें बीजेपी ले पाएगी, कितनी विपक्ष यहाँ मजबूत हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी न्यूज महोबा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो दिलीप, किस तरीके का दौरा चल रहा है अखिलेश यादव का, जो बुंदेलखंड का दौरा है वहां पे किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल श्वेता, जैसा कि बीते कई दिनों से लगातार बुंदेलखंड खासकर महोबा एक पॉलिटिकल हब बन गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर एक बड़ी बड़ी योजनाओं का लोकार्पण किया, तो उसके बाद प्रियंका गांधी ने एक ऐतिहासिक रैली कर बुंदेलखंड में कांग्रेस की ताकत दिखाई। अब अखिलेश यादव 1 दिसंबर को विजय रथ यात्रा लेकर 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर निकलेंगे और अखिलेश यादव महोबा आएंगे, महोबा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के बाद यहाँ रात्रि विश्राम भी करेंगे, इसके बाद ललितपुर और झांसी के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों से लगातार बुंदेलखंड में पिछले विधानसभा चुनावों में पूरी की पूरी 19 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी और उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों की नजर है बुंदेलखंड पर, खासकर विपक्ष जहां अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए और बुंदेलखंड की इन 19 विधानसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वही सत्ताधारी दल भी अपने प्रदर्शन को दोहराने के लिए लगातार प्रयासरत है। जी दिलीप, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटें पूरी की पूरी बीजेपी के पास गई थी, तो इस बार क्या विशेष रणनीति रहेगी सपा की? जी जैसा कि यूपी में ही नहीं बुंदेलखंड में भी अगर भाजपा का कोई मुख्य विपक्षी दल है
तो वो सपा है और भाजपा सपा में ही पूरे बुंदेलखंड में सीधी सीधी टक्कर, अगर कुछ सीटों को छोड़ दे तो भाजपा और सपा में ही सीधी सीधी टक्कर होगी। कहीं ना कहीं पिछली बार जो भाजपा की लहर थी वो अब इन बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक चुने गए थे 19, उनके काम पर भी लोग देख रहे हैं। यही वजह है कि सपा का उत्साह बढ़ा हुआ है और उनको ये लग रहा है कि जिस प्रकार से भाजपा के जो विधायक रहे हैं, ज्यादातर विधायकों पर क्षेत्र में ना जाने और कोरोना काल जैसी महामारी के समय लोगों के बीच में ना जाकर और लोगों की आम जनता के बीच ना जाकर जो पिछली लहर थी वो लहर के भरोसे एक बार फिर बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी जीत की नाव पार लगने की आस लगाए बैठे हैं। जी दिलीप, जिस तरीके से अभी विजय रथ यात्रा जो अखिलेश यादव की होने जा रही है बुंदेलखंड का दौरा, उसमें और कौन से मंत्री उनके साथ में होने की संभावना है, कौन कौन से मंत्रीगण उनके साथ में सम्मिलित हो सकते हैं इस रथ यात्रा में? अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा है उसमें सपा के कई बड़े लखनऊ से नेताओं ने, एमएलसी, कई उनके विधायक, पूर्व विधायक और कई पूर्व मंत्रियों ने भी महोबा में बीते दो तीन दिनों से डेरा डाल रखा है और तैयारियां जोर शोर से। सपा नेताओं से जो बात हुई तो उनका ये दावा है कि जो प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हुई उनसे उनसे भी बेहतर सपा की रैली होगी और उनको कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि है इनकी जनता के बीच में जुड़ाव और जनसंपर्क में ना जाने से सपा खासे उत्साहित है सपाई, और उनको ये उम्मीद है कि इस बार जनता सपा के कैंडिडेट जो ज्यादा से ज्यादा विधायक होंगे बुंदेलखंड में सपा बड़ी बढ़त बनाकर आएगी। जी दिलीप, वहां बुंदेलखंड से किस उम्मीदवार को खड़ा कर सकती है सपा? महोबा में अभी समाजवादी पार्टी के न महोबा की दोनों विधानसभा में और न कहीं अभी प्रत्याशी कहीं घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन जो प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी है वो सभी पूरी ताकत लगाकर और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी ताकत दिखाकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो ज्यादा ताकतवर है। अभी केवल जो 3 से 4 संभावित प्रत्याशी है सपा सदर महोबा से और चरखारी विधानसभा से, जो भी प्रत्याशी है वो पूरी ताकत लगाए हुए रैली को सफल बनाने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र बिंदगी के मुरादपुर गांव में दो नाबालिग बेटियां खाने पीने की सामग्री घर घर जाकर मांग रही हैं, जिनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं जब दोनों नाबालिग बेटियों से बात की गई तो उन्होंने अपने गांव का नाम खजूरिया पुरवा बताया। यह बड़ा सवाल उठता है कि यह क्या उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे गरीब परिवारों को लाभ नहीं मिल रहा, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जोरदार से नारा लगाती है, वहीं दूसरी ओर देश के छोटे छोटे बच्चे भिक्षा मांगते नजर आते हैं। आखिर क्या मजबूरी है जो इनको घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है? हालांकि उपजिलाधिकारी बिंदगी से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने तुरंत इस मामले में को संज्ञान में लेने की बात कही है। खबर फतेहपुर से है जहां भिक्षा मांगती नजर आई है नाबालिग लड़कियां। जहां एक तरफ मौजूदा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, वहीं कुछ नाबालिग लड़कियां घर घर जाकर भिक्षा मांगती हुई नजर आती हैं। और इस भिक्षा मांगने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर क्या मजबूरी है जो इनको घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है? हालांकि उपजिलाधिकारी बिंदगी से इस मामले की बात की गई तो उन्होंने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अमरदीप, किस तरीके का मामला देखने के लिए मिल रहा है, कितने साल की हैं ये नाबालिग लड़कियां? देखिए, ऐसा है कि ये मामला फतेहपुर जनपद के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के मुरादपुर गांव का है, जहां पर ये दो नाबालिग लड़कियां जिनकी उम्र लगभग वही 7 या 6-7 वर्ष बताई जा रही है, जहां पर इनका भिक्षा मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ है। और वीडियो वायरल होते ही इस मामले को जब मैंने खुद यह उप जिलाधिकारी से संबंध में बात किया
तो वो जिलाधिकारी बिंकी ने मुझे अवगत कराया कि मैंने तत्काल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को इस मामले से अवगत करा दिया गया है और वो तुरंत इसकी जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी होगा, जितनी भी आर्थिक मदद की जाएगी या जैसी भी व्यवस्था होगी, उस हिसाब से पूरा कार्य किया जाएगा। और ये लड़कियां जो है ये मुरादपुर में जो भिक्षा मांग रही थी, और इनका एक गाँव दूसरा है खजुरियापुरवा, ये भी फतेहपुर जिले में ही पड़ता है, पर ये अभी नहीं पता चल पा रहा कि वो लड़कियां सही बता रही हैं गलत बता रही हैं। और इनके अपने इन लड़कियों ने अपने पिताजी का नाम जो है भैया बताया हुआ है, देहाती भैया बताया हुआ है। तो ये मामला पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में आ गया है। प्रशासनिक अधिकारी ने तुरंत अपने मदद कर्मचारियों को अवगत करा दिया है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जी, तो अब संज्ञान में आने के बाद किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है इन लड़कियों को लेके? देखिए, ऐसा है कि जब उप जिलाधिकारी से बात की गई तो उप जिलाधिकारी ने कहा कि मैंने इस मामले को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को बता दिया है, इसके बाद लेखपाल को भी अवगत करा दिया है। लेखपालों की टीम इस समय इन लड़कियों को ढूंढने के लिए वर्तमान समय पे जो है उनके गांव खजुरियापुरवा गई। जी, तो क्या अमरदीप ये पता चला है कि इनके माँ बाप भी क्या ऐसा करने के लिए इनके माँ बाप इनको मजबूर कर रहे हैं या किसी और वजह से ये इस तरीके से काम कर रही है? देखिए, जब ग्रामीणों ने लड़कियों से बात की है तो उन लोगों ने बस इतना ही बताया कि हम जो है भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांगने के साथ ही अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। अब ये तो मामला तभी सामने निकल कर आएगा जब उनके परिजनों से जो है राजस्व विभाग की टीम या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पूरी बात करेंगे, तभी पूरा मामला निकल कर सामने आ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां भिक्षा मांगने का वीडियो वायरल हुआ है, जहां भिक्षा मांगती नजर आई हैं नाबालिग लड़कियां, जिसके चलते अभी वहां के आला अधिकारी ने कार्रवाई शुरू की है। आगरा के थाना पिनाहट में परचून व्यापारी के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की। ये वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब व्यापारी और उसका पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था, जिसका फायदा उठाते ही चोरों ने जेवर समेत करीब 2 लाख की नकदी उड़ा ले गए। शादी समारोह से लौटे परिवार ने घर का टूटा ताला धुआं देख कर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में लाल इमली रोड सरकारी नल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस नल के पिछले कई महीनों में गर्म पानी निकल रहा है और सर्दी के दिनों में निकल रहे इन पानी से जहां लोग हैरान हैं, वहीं नल में करंट आने लगा है। कई लोग इस नल के करंट भी खा चुके हैं और नल में करंट आने से स्थानीय लोगों ने कई बार नगर निगम और प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। इसमें गर्म पानी के साथ साथ अर्थिंग आती है, जब बरसात का मौसम आता है तो सर इसमें करंट भी आता है। इसकी शिकायत मैंने अपर आयुक्त नगर निगम से करी थी तकरीबन 20 दिन पहले, तो उनकी तरफ से सर फ्राइडे के दिन मैंने शिकायत करी थी तो 4 बजे के करीब, तो मंडे को सर 2 लोग यहाँ पर चेक करने आए थे। उन्होंने बताया सर ये जो मामला है ये नगर निगम का नहीं है, ये बिजली विभाग का मामला है और नीचे से उस तार की जो है कुछ दिक्कत हो रही है, जिस वजह से क्या कहते हैं पानी इसमें उबलता हुआ आता है और बरसात के मौसम में जब पानी इसमें ज़्यादा भर जाता है तो इसमें करंट भी आने लगता है सर। चलाओ भरने के लिए पानी तो इसमें गर्म पानी निकलने लगता है, जितना चलाओगे तो उतना ही गर्म पानी निकलता है इसमें। अच्छा, और कभी कभी इसमें करंट भी आने लगता है। अच्छा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आयेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो आयेंद्र, किस तरीके का मामला है ये गर्म पानी निकलने का, जो मामला है वो कब से चला आ रहा है? देखिए श्वेता जी, जैसे लगभग इसको लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और जिस तरीके से ये जो मामला चल रहा है शाहजहांपुर में, यानी कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरीके से सर्दी के मौसम में जो ठंडा जो गर्म पानी जिस तरीके से खौलता हुआ निकलता है पूरा, जैसा लगता है कि हीटर से कहीं ऐसे नीचे से गर्म किया हो और इसके बाद इसको बाहर निकाला गया हो, तो ये लोगों में काफी इसको दिक्कतें भी हो रही हैं क्योंकि इसका जो लोग पानी इसका पीते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इसको करंट भी लगा। एक दो लोगों को है जब पानी भरने जाते हैं हैंडपंप से तो करंट भी लग चुका है। जब इस मामले में प्रशासन से किसी से बात की जाती है तो वह एक दूसरे पर टाल मटोल कर और इस बात को इधर उधर बहकावे में डाल देते हैं। आइंद, गर्म पानी निकलने का क्या कोई कारण बताया जा रहा है? आखिर क्या कारण है ऐसे इस तरीके से नल से खोलता हुआ पानी निकलने का?
देखिए इसमें बताया जा रहा है कि नीचे कहीं अर्थिंग इसको मिल रही है बिजली के द्वारा, जिस तरीके से बिजली लगता है माइनस और प्लस के दोनों तार नीचे अर्थिंग से मिल रहे हैं जिनको, और पूरा खोलता हुआ पानी जो जिस तरीके से बाहर आता है, तो ये बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आ रहा है, कहीं नीचे से ऐसे अर्थिंग मिल रही है, जबकि संबंधित अधिकारियों को भी बिजली विभाग को भी अवगत कराया गया था कि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन ऐसी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई लोगों के करंट भी चपेट में आ चुके हैं, कोई बड़ी घटना भी ऐसे हो सकती है क्योंकि इस समय जो है लोगों को इस तरीके से गर्म पानी खौलता हुआ आता है, लोगों ने चेक किया हाथों से तो ऐसा लगता है कहीं हीटर से गर्म करके उबाला हुआ हो पानी। अयंदक जिस तरीके से कहा जा रहा है इसमें करंट आ रहा है, तो करंट क्या हमेशा आता है या कभी कभी आता है? लगभग इसमें लगभग 2 साल हो चुकी हैं जब से इसमें करंट आ रहा है, कभी कभी महीने में आता है, ये डेली नहीं आता है, कभी लगभग हफ्ते भर लगातार आता है करंट, ऐसे ऐसे सुविधाएं देखने को लगातार मिल रही हैं। दूसरी चीज इसमें और ये, जब गर्मी का समय होता है तो इसमें भी जो है गर्म पानी ही निकलता है कभी कभी देखा गया है, और सर्द मौसम हो चाहे कोई भी ऋतु हो, ये इसमें गर्म पानी खोलता हुआ बाहर निकलता है और कभी कभी ठंडा पानी भी निकलता है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी ये मामला पूरा संज्ञान में आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या कुछ अभी इस पे कोई कार्रवाई के लिए बोला गया है, निर्देश दिए गए हैं? देखिए ये जब इस मामले में पूरी जानकारी जब संबंधित अधिकारियों को दी गई है तो इसमें प्रशासन ने जो है चुप्पी साधी हुई है अभी भी, और इसमें कोई जवाबदेही नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी कहा है, जबकि संबंधित विभाग से जब इस बारे में फोन लाइन से जानकारी लेनी चाहिए तो संबंधित अधिकारियों का जो है फोन जो है वो रिसीव नहीं हुआ, और कई बार इसमें ट्राई भी किया तो इसमें देखा जाता है कि जो बिजली विभाग है और जो नगर निगम है, इन दोनों विभागों की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है, ये स्थानीय लोगों का काफी रोष देखने को मिल रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ कि जिस तरीके से सर्द मौसम में जो पानी खौलता हुआ एक हैंडपंप रिवर से बाहर निकल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अयंद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और प्राकृतिक विपदाओं से जूझते हुए किसान के पास गेहूं की अगली फसल को बोलने का भी पैसा नहीं बचा। किसानों का कहना है कि जिन्होंने बजाज चीनी मिलों को पहले सत्रों में गन्ना सप्लाई किया और बजाज चीनी मिल ग्रुप उनका भुगतान अब दबाए बैठा है। परेशान किसान, ऊंची ब्याज दरों पर किसान कर्जा देने के बाध्य किया जा रहा है। जनपद लखीमपुर खीरी बजाज चीनी मिल ग्रुप द्वारा किसानों के गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसान पलिया भीरा में सरकारी गन्ना समिति प्रांगणों में 3 दिन से लगातार 24 घंटे धरना दे रहे हैं। 3 दिन पहले किसानों ने समिति कार्यालय का ताला ठोक दिया। किसानों ने धरना स्थल पर गन्ना की होली जलाकर मिल प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है। आज मिल से बहुत प्रताड़ित होकर के अपनी फसलों में आग लगा रहे हैं, जब तक हम लोगों का भुगतान नहीं होगा तब तक कोई समाधान नहीं होगा, इसलिए मिल के कर्मचारी और प्रशासन ये ध्यान से देख ले कि जब तक ये लोग हमारा कोई समाधान नहीं करेंगे इसी तरीके से हम लोग आक्रोशित होकर के कोई और भी बड़ा कार्य कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम भीरा के किसान समिति में आक्रोशित होकर अपनी फसल जला रहे हैं, ये शुभ संकेत नहीं है। हम अपने फसल जलाते हुए शासन प्रशासन मिल प्रशासन गन्ना समिति अधिकारियों को केन सचिव केन कमिश्नर महोदय को संकेत देना चाहते हैं कि हमारी मांगे सीरियस मांग ले ताकि हमें हमारे गन्ने का भुगतान मिले और हम खुशी खुशी अपने घर जाएं। जब तक हमारा भुगतान नहीं तब तक हम अनिश्चितकालीन इस यहीं पर आंदोलनरत रहेंगे। आज राजनीति गैर जिम्मेदार रवैया से जय किसान का नारा भी कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान कहीं आंदोलन कर रहा है तो कहीं गन्ना का भुगतान ना होने की वजह से धरने पर बैठा है। ये ताजा खबर भीरा की है। समय पर भुगतान ना हो पाने की वजह से किसानों को अनेक जिल्लतों का सामना करना पड़ता है। कृषि प्रधान देश में किसान की त्रासदी को देश हित में नहीं माना जा सकता। गोला पलिया बजाज मिल किसानों को समय से भुगतान नहीं कर पा रही है। ऐसे में नई क्रांति पार्टी मांग करती है सरकार से कि तत्काल किसानों का बकाया गन्ना भुगतान करवाएं एवं गन्ना समिति भीरा को किसानों का सट्टा खाता गुलरिया चीनी मिल से जोड़ दिया जाए। उचित दाम नगद भुगतान तभी होगा खुशहाल किसान। नई क्रांति पार्टी सूप के साथ जय होगा कि भीरा के किसानों ने भीरा समिति पर गन्ना जलाकर अपना आक्रोश जताया है और चीनी मिलों का विरोध किया है।
3 दिसंबर से चीनी मिल गोला में भी भयंकर रूप से गन्ना पेराई सत्र को रोक करके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे गन्ना के किसानों का भुगतान नहीं किया गया है बजाज फैक्ट्री द्वारा। हम किसान लोग बहुत परेशान हैं, हर तरह की आर्थिक स्थिति से, चाहे बच्चों को स्कूल भेजना हो, उनकी फीस देनी हो, कपड़े लत्ते हैं, दवाइयां हैं, हर खर्चे हम लोग परेशान हैं, मजदूरों भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा पहले गन्ने भुगतान किया जाए और उसके बाद हम लोग गन्ना बजाज फैक्ट्री को देंगे या गुलरिया फैक्ट्री को देंगे, ये हमारा किसान संघ जो है निर्णय लेगा इस बात के लिए। किसान एक इटावा में लंबे समय से लगातार चल रहे रेत के अवैध ओवरलोड परिवहन की शिकायतों को लेकर एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने थाना बर्डपुरा क्षेत्र पहुंचकर उदी चौराहे पर लगे पुलिस फोर्स के औचक निरीक्षण किया। साथ ही थाना अध्यक्ष बर्डपुरा और उदी के खनिज वाहन चेकिंग कर रही है। पुलिस फोर्स के अवैध खनन रोकने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। गोरखपुर में प्रेम में पागल प्रेमी ने प्रेमिका की बड़ी बहन से समय चाकू मारकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी हुई थी। और आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को सहारा स्टेट के पास से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विकास का प्रेम प्रसंग खोराबार थाना के रहने वाली एक युवती से चल रहा था, लेकिन प्रेमिका की बड़ी बहन प्रेमी के प्यार में रोड़ा बन रही थी। उत्तर प्रदेश के सबसे सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला सोनभद्र में एक जगह ऐसी भी है जहां आज भी लोग लड़कियों से बने पुल पर चलने को मजबूर है, जहां यह पुल म्योरपुर ब्लॉक के पिंडारी ग्राम के सभा में पड़ता है। इस गांव के लोग किसी भी कार्य से जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल कर जाते हैं। सभी सरकारें आती हैं और विकास के बहुत दावे करके चली जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सोनभद्र में म्योरपुर ब्लॉक के पिंडारी ग्राम सभा में दिखता है। ग्राम सभा पिंडारी के पूर्व प्रधान धर्मेंद्र जायसवाल ने बताया कि हम लोग कई बार जिलाधिकारी महोदय से लेकर सीडीओ साहब तक कई बार आवेदन किए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। आज भी हम लोग लकड़ी से बने इस फूल पर चलने वाले मजबूर हैं। कुछ दिन पहले क्षेत्रीय विधायक हरिराम चेरो आए थे, जहां उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव से पहले पुल निर्माण नहीं हुआ तो हम सभी ग्रामवासी पोर्ट का बहिष्कार करेंगे। ये 2015 के लास्ट में टूटा हुआ है। अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुआ, जबकि हम प्रधान थे उसी समय। डीएम साहब को पत्र लिख के दिए और सीडीओ साहब भी मौका जांच के, डीएम साहब भी आए थे मौके पर। अब बोले एस्टिमेट बन गया है, लेकिन अभी तक कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।